सुंदर है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग कहाँ शुरू करूँ? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। माय टॉपिक दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड प्रोसीजर लेट डाउन बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इट प्रिस्क्राइब्स द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट, joint and cooperative sector for the development of industries. It also indicates the role of the large, medium and small scale sector. हेलो मैम, हेलो मैम, मैम चेंज द स्लाइड, चेंज द स्लाइड मैम। अंकित क्या ब्रो, इको हो रहा है। हेलो मैम, मैम इको हो रहा है साउंड। हेलो मैम, हाँ सुंदरम साउंड नहीं आ रहा मैम। हाँ शुरू करिए सुंदरम। इनकॉर्पोरेट्स फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एट पॉलिसी, लेबर पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड फॉरेन कैपिटल एंड रोल टू बी प्लेड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। चेंज द स्लाइड अंकित। Industrial policy statements have been announced from 1948 onwards. A number of objectives have been projected by the government of India while making industrial policy declaration. Some of the important objectives can be identified as follows: achieving a socialized pattern of society, preventing undue concentration of economic power, achieving industrial development, reducing disparities in the regional development. Ma'am, iska rahne do abhi Ankit. Ma'am, iska stop. Announcement 1948 ko hua tha ma'am. Aur yes, government disparity hai. ठीक है, डिस्पैरिटी भले ही था, ठीक है। और अचीविंग, और मैम इसका अचीविंग ए सोशलाइज्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऑब्जेक्ट था मैम कि स्क्रीन तो समाज सोशलाइज्ड दृष्टि पैटर्न पर रखा जाए और कंसंट्रेट ऑफ इकोनॉमिक्स पावर और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पावर के किया जाए और अचीविंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए रिड्यूसिंग दिस पार्टी इन द रीजनल डेवलपमेंट। चेंज द स्लाइड। फिर वही बोल रहे हैं आप सुंदर, रिड्यूसिंग क्या, व्हाट आर यू स्पीकिंग, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन रीजनल एम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज, disparities, disparity, disparities. Very good. What do you mean by disparity? Disparity मतलब कि जिससे original जोड़ा जाए स्थानीय क्षेत्रीय लोग से, क्षेत्रीय मतलब local reduce करना है disparity. What do you mean by that? Reducing line है, reducing disparities in regional development. यानी yes, जो भेदभाव है, जो अंतर है, उसको हम लोग को reduce करना है। वृद्धि करना है, डेवलपमेंट करना है, रिड्यूस करना है, भेदभाव, भेदभाव मैम करना है। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है, सुनिए।
यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी कहने का मतलब कि वो क्या रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बस अर्बन जो जगह था वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, है ना, रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो फॉर्मेशन हुआ ये इसके वजह से क्या हुआ, डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया गया, मतलब भेदभाव को कम किया गया, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यस मैम, वही ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए मैम, जो भेदभाव था सबको दूर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए मैम। स्लाइड नहीं है मैम स्क्रीन पे। ठीक है, एक मिनट आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, पागला उगला है क्या हो सुशील, क्या हो गया? अरे 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 क्या, अरे अरे देखो क्लास में गलत शब्द उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रहने दो। आज आतंकवादी शहीद हो जाएगा। म्यूट पे रहो, तुम्हारा साउंड आ रहा है बहुत हार्ड, कान खराब हो जाएगा। सुंदरम, हाँ भाई, आ रहा है? आ रहा है आवाज, और ऊपर करो भाई। यही तो था भाई, मैम अभी बोले ना कि मैम कुछ देर में आ रहे हैं। हाँ यहीं पे, यहीं पे। प्रेमकुंज, आर यू हियर? यस आई एम देयर। चलिए कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। कोई स्लाइड छूट गया क्या मेरा? हाँ क्या मैम, कोई स्लाइड छूट गया क्या? शुरू कर चुके हैं। नो मैम, नो मैम, यस मैम। अभी यहाँ से आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है? Providing opportunity for gainful employment, achieving a self-sustained economics, achieving faster economic growth, alleviating poverty, protecting and development and health small sector, एक मिनट, scale सुन्दरा, sector. सुन्दरा, yes, elevating poverty, बोलिए। Elevating poverty. ठीक है, आगे बढ़िए। Updating technology and modernization of industry, liberalization and करिए सारा पॉइंट पढ़ के कैसे एक्सप्लेन करें, एक पॉइंट पढ़िए एक्सप्लेन करिए, एक पॉइंट पढ़िए एक्सप्लेन करिए, ठीक है? What do you mean by elevating poverty? What do you mean by achieving faster economic growth? हाँ, तो ये एक्सप्लेन करेंगे ना, बताइए। Yes ma'am, ma'am opportunity of gainful employment, तो जो भी अपॉर्चुनिटी हो जो अनुमानित किया गया हो उसको किया जाए, और अचीविंग सेल्फ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को बढ़ाया जाए, और अचीविंग फास्ट इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसमें जो भी इकोनॉमिक्स हो उसको तेज गति से बढ़ाया जाए, और नाइन्थ नंबर जो भी गरीबी है उसको दूर किया जाए, और टेंथ नंबर, इस टेंथ नंबर इसमें स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए, और इलेवेंथ नंबर टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और 12th number, liberalization and globalization of economics. जो भी मैम उदारीकरण एवं वैश्वीकरण इस सब को किया गया, इस liberalization में जो भी कर है उसको कम किया गया, और globalization में जो भी देश से जो भी export होना चाहिए जो भी company से industrial policy from 1948 to 1991, industrial policy regulation 1948 6 April 1948, Industrial Policy Regulation 30 April 1957, Industrial Policy February 2, 1973, Industrial Policy December 23, 1977, Industrial Policy Statement of July 1980, Industrial Policy July 24, 1991. Gender slide. Ma'am, इसमें टोटल 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वह सिर्फ 3 है मैम,
जो फर्स्ट 1948 और 1956 और 1950 लाइट शेयर नहीं हो रहा हम एक जस्ट मिनट इसमें मैम हो रहा दिख रहा है हाँ अंकित थैंक यू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन 1948 6 अप्रैल 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट इट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 6 अप्रैल 1948 गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया 6 अप्रैल 1948 को द पॉलिसी रेजोल्यूशन मैम नॉट चलिए अब यहां से फोकस देना है कि 1948 में क्या क्या हुआ था राजू ध्यान दीजिएगा The government of India announcement its first industrial policy resolution on 6 April 1948. Government के द्वारा इंडिया में first industrial policy 6 April 1948 को लाया गया. The policy resolution laid stress on the role of the state in the development of industry. या जो भी policy लाया गया राज्य को और state को development करने के लिए. इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्टिविटी वेयर डिवाइड इनटू फोर बोर्ड्स एरिया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 1948 को चार कैटेगरी में बांटा गया फर्स्ट आइटम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड एनिमेशन द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ Atomic Energy Ownership and Management of Railway Transport etc. यह पहला में जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था और इसमें 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 टोटल तीन इंडस्ट्रियल को रखा गया जिसमें इस एग्जांपल फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑनरशिप मैनेजमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट etc. चेंज द स्लाइड आइटम और सेकंड में आइटम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कोयला आयरन एंड स्टील एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन टेलीग्राफ एंड वायरलेस एयरक्राफ्ट एक्सक्लूडिंग रेडियो रिसीविंग सेट मिनरल्स वेल्स etc. और सेकंड्स में टोटल सिक्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रखा गया जिसमें सुंदरम कोयला आयरन यस मैम स्टॉप सुंदरम आप घबरा रहे हैं क्या कैटेगरी में रखा गया आइटम्स ऑफ बेसिक इंपोर्टेंस प्लानेड रेगुलेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट साल्ट ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रैक्टर्स इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग अदर हैवी सुंदरम सॉल्ट ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रैक्टर्स इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग अदर हैवी मशीनरी मशीन टूल्स हैवी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड फार्मा यूज पावर कॉटन एंड वोलेन इतना सारा करने का जरूरत नहीं था दो तीन नाम देते सफिशिएंट था ठीक है आगे बढ़िए सीमेंट सुगर पेपर एंड न्यूज प्रिंट और सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में मैम रखा गया जिसमें टोटल 18 इंडस्ट्रियल पॉलिसी था जिसमें एग्जांपल फॉर केमिकल हो गया फर्टिलाइजर हो गया सुगर पेपर एंड न्यूज़पेपर etc.
item for private sector. The rest of item for private sector. The rest of the industrial field will be open the private enterprise. It also emphasized on the swearing or continuous increase in the production and its equitable distribution. Importance was given to a small scale and equitable. Sundaram, equitable distribution. What do you mean by equitable distribution? Equitable distribution मतलब कि बांट देना contribution increase करके production and इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना मैम। यस मैम। इक्वल वे में नहीं, इक्विटेबल कहने का मतलब होता है जिसको जितना जरूरत है। अगर इक्वल हो गया तो आप मान लीजिए, इमेजिन करिए यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लिखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिखा है, इक्विटेबल क्यों लिखा है मैम? आवश्यकता के अनुसार जिसको जितना जरूरत पड़ेगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट है, जिसका जितना आवश्यकता है। अंबानी को भी उतना दे रहे हैं, जो आपका 500 रुपया दिन का कमा रहा है उसको भी उतना ही दे रहे हैं। दिन का तो ज्यादा हो गया, अगर 500 कमा रहा है तो मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा है दिन का, ठीक है, उसको भी आप उतना ही दे रहे हैं तो बराबर हो गया क्या? इसीलिए इक्वल नहीं लिखा हुआ है, इक्विटेबल लिखा हुआ है, यानी जिसका जितना जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़िए। इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू ए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे थोड़ा वर्क करिए सुंदरम, ठीक है, आगे बढ़िए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956, ये राजू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, 1956। चलिए आगे बढ़िए। यस मैम। आईपीआर 1956, द पॉलिसी लेट डाउन द बेसिक फार्मवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लासिफाइड इनटू याद है क्लास का लेक्चर? यस मैम। जो इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्फेसिस डाला जाता था पॉइंट पे, कि इट इज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, इकलौता पॉलिसी है जिसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा हूबहू यही सेंटेंस बन के आ सकता है, विच पॉलिसी इज सेड टू बी इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा इम्फेसिस डालिए, ठीक है, इवन इम्फेसिस डाल। यस मैम। अंडरलाइन नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट को मैं बोल रही हूँ, जब वो एक्सप्लेन करेगा, जब आप लोग भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे, एक होता है ना अपने बोलने से इम्फेसिस डालना, मतलब इम्पोर्टेंस लगे। जैसे मैं बोल रही हूँ, देखिए एक ये रीडिंग दिया, लाइए स्लाइड वही लाइए। हाँ, जैसे हम बोलेंगे ना तो ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, बोलते वक्त स्ट्रेस डाल रहे हैं। जैसे ये कैसे पढ़ के निकल गया, This policy laid down the basic framework of industrial policy. इसी टोन में ये भी बोल दिया, This policy is also known as economic constitution of India. सुशील, नहीं दिया, ठीक है, ये भी इसी तरीके से बोल दिया, This policy is also known as economic. तो कहां हमको emphasis feel हुआ? ठीक है, इस पे emphasis डालिए, थोड़ा slow हो जाइए। This policy is also known as economic constitution of India. Difference है? Yes. है ना, आप एक पेज कम से कम रीडिंग दीजिए सुंदरम। Yes, आगे बढ़िए। Schedule first, which covers public sector, 17 industries. Schedule B, covering mixed sector, public and private, 12 industries. Schedule C, only private industry. Schedule MMM, total 17 industries tha, or जिसमें रेलवे हो गया, एनर्जी, डिफेंस और सीडीएल बी में पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री था, जिसमें प्राइमरी पब्लिक को ही रखा जाता था और प्राइवेट इंडस्ट्री सेकेंडरी था, और सीडीएल सी ओनली प्राइवेट इंडस्ट्री। दिस आज प्रोविजन फॉर पब्लिक सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट टू meet new challenge from time to time. It was modified statements in 1973, 1977 and 1980. Change.
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलेशन फेयरवेल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 2 February 1973 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1957 टिल रिमाइंड वैलिड बट सर्टेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्स अलर्ट कैप्ट इन द सिस्टम द न्यू पॉलिसी वेयर हेंस डायरेक्टेड टू वर्ड्स रिमूविंग दिस It provides for the close intersection between the agriculture and industrial sector. Accorded the highest priority the generation and transmission of power. To protected cottage and household industries was also proposed to be introduced.